हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। एंड आज मैंने कुछ वर्ड्स को कंपाइल किया है और इनको मैं वन बाय वन कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो ये वर्ड्स लिस्ट हैं, इन सबको मैं वन बाय वन कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है फंबल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मैसअप या गड़बड़ कर देना। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस से मेंशन किया है कि जिम करते समय डंबल गिराकर फंबल कर दिया, मींस कि गड़बड़ कर दिया। और इसको याद करने के लिए मैंने एक कीवर्ड भी यहाँ पे मेंशन किया है, फंबल को कोरिलेट कर सकते हैं डंबल से। तो नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम। सिनोनिम्स पहला क्या है, वॉच एंड फ्लब। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स है, जिसमें है सक्सीड एंड डू वेल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बायगोन्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है थिंग्स फॉरगॉटन अबाउट, पुरानी बातें। इसके सिनोनिम्स है पास्ट फोर टाइम, जिनके एंटोनिम्स है टुमोरो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउस्टिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सपेल, गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से बाहर निकलना। इसके सिनोनिम्स हैं डिपोज, डिथॉर्न एंड इनके एंटोनिम्स है हायर एंड अलाउ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कोर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्लीन और ब्राइटन द सरफेस ऑफ समथिंग बाय रबिंग इट हार्ड, सफाई, किसी चीज़ को जोर से रगड़ कर साफ करना या सफाई करना, वो हमारा होता है स्कोर। इसके सिनोनिम्स हैं अब्रेड, ब्रश एंड इनके एंटोनिम्स हैं डर्टी एंड रस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमोर्फस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विदाउट डेफिनेट शेप और कैरेक्टर, जिसका कोई आकार ना हो, अनाकार। इनके सिनोनिम्स से नेबुलस, वॉग एंड इनके एंटोनिम्स हैं डेफिनेट, डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सूथ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है काम, ईज, शांत करना, काम, ईज, पेसिफाई, ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। तो इनके और सिनोनिम्स देख लेते हैं, एल ए एस यू एच। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम देख लेते हैं, एग्रीवेट एंड इनसाइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसरप्टेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अपसेट, डिसऑर्गेनाइज, बाधित करना। इनके सिनोनिम देख लेते हैं, डिस्टर्ब, रैटल, इनके एंटोनिम्स हैं काम, एनलाइटमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टिडबिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जो भी कीवर्ड है और यहाँ पे इनके ट्रिक्स हैं, मैं इन सबको कवर नहीं कर रही हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स को कवर करें। तो यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी वहाँ पे। तो हमारा पहला नेक्स्ट वर्ड है टिडबिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है टाइनी पोर्शन, एक छोटा मोटा भाग, किसी भी बड़ी ह्यूज अमाउंट में से एक छोटा सा पोर्शन होता है। इनके सिनोनिम्स होते हैं गुड़ी, मोर्सल। नेक्स्ट हमारा इनके एंटोनिम है लॉट, मैनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रस्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लैक ऑफ फेथ इन समथिंग, शक। इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं, स्केप्टिसिज्म, सस्पिशन, इनके एंटोनिम्स हैं बिलीव, एश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटैक्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिनके मीनिंग होते हैं अनडैमेज्ड, ऑल इन वन प्लेस, बरकरार रखना, बरकरार। इनको सिनोनिम्स हैं फ्लॉलेस, परफेक्ट, एंटोनिम्स हैं हार्म्ड, वायोलेट। तो आज के लेक्चर में हमने इतने वर्ड को कवर किया। चलिए इनके अब हम वो देख लेते हैं, इनके मैथ वर्ड देख लेते हैं। तो फंबल का मीनिंग क्या था, मैसअप करना। बायगोन्स, थिंग्स फॉरगॉटन अबाउट, पुरानी बातें। आउटस्टिंग, एक्सपेल। स्कोर, क्लीन। अमॉर्फस, विदाउट डेफिनेट शेप, जिसका कोई आकार ना हो। सूथ, शांत, काम करना। डिसरप्टेड, अपसेट। टिटबिट, टाइनी पोर्शन। डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ। इंटैक्ट, अनडैमेज। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ वर्ड्स को लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।